लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 5 सालों के चंदे का हिसाब किताब भी मांग लिया है। अब निर्वाचन आयोग को ये बताना होगा कि पिछले 5 साल में किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया। ऐसे में आइए सबसे पहले जानते हैं चुनावी पार्टियों के इस गुपचुप तरीके से लिए गए चंदे को लेकर कोर्ट की तल्ख टिप्पणी क्या कुछ थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को अज्ञात रखना सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को आर्थिक मदद से उसके बदले में कुछ और प्रबंध करने की व्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है। आगे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि काले धन पर काबू पाने का एकमात्र तरीका इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं हो सकता, इसके और भी कई विकल्प हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को राजनीतिक पार्टियों को मिले इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने का निर्देश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SBI चुनाव आयोग को जानकारी मुहैया कराएगा और चुनाव आयोग इस जानकारी को 31 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनावी बॉन्ड जो 15 दिनों की वैधता अवधि के भीतर राजनीतिक दलों द्वारा अभी तक भुनाया नहीं कराया गया, यानी कि इनकैश नहीं कराया गया, उन्हें राजनीतिक दल द्वारा क्रेता को वापस कर दिया जाएगा। इसके बाद जारीकर्ता बैंक बॉन्ड खरीदने वाले को राशि वापस कर देगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आज ये फैसला सुनाया है। ये तो बात हुई चुनावी चंदे पर कोर्ट की टिप्पणी की, लेकिन अब ये भी जान लीजिए कि आखिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है क्या और ये कब आई। राजनीतिक दलों को गुपचुप तरीके से दिया जाने वाला चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के जरिए ही दिया जाता है। इस योजना की शुरुआत हुई थी साल 2018 में। इसके मुताबिक चुनावी बॉन्ड को भारत के किसी भी नागरिक या देश में स्थापित इकाई खरीद सकती थी। कोई भी व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बॉन्ड खरीद सकता था और जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29(a) के तहत पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड राजनीतिक दल इन चुनावी बॉन्ड्स को स्वीकार करने के पात्र थे। शर्त बस ये थी कि उन्हें लोकसभा या विधानसभा के पिछले चुनाव में कम से कम 1% वोट मिले हों। अब ये भी एक सवाल है कि आखिर राजनीतिक दल इस बॉन्ड के जरिए पैसा या चंदा कैसे ले सकते थे। तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा केवल अधिकृत बैंक के खाते के माध्यम से ये पैसा निकाला जा सकता था। इसके लिए भी नियम ये था कि किसी के भी बॉन्ड खरीदने के लगभग 15 दिनों के अंदर संबंधित पार्टी को उसे अपने रजिस्टर्ड बैंक खाते में जमा करने की अनिवार्यता होती थी। अगर पार्टी ऐसा करने में विफल रहती है तो बॉन्ड निरर्थक और निष्प्रभावी यानी कि रद्द हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक की 29 शाखाओं को इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने और उसे भुनाने के लिए अधिकृत किया गया था। ये शाखाएं नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गांधीनगर, चंडीगढ़, पटना, रांची, गुवाहाटी, भोपाल, जयपुर और बेंगलुरु की थी। कोई भी डोनर अपनी पहचान छुपाते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1 करोड़ रुपए तक के मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदकर अपनी पसंद की राजनीतिक पार्टी को चंदे के रूप में उसे दे सकता था। ये व्यवस्था दानकर्ताओं की पहचान भी नहीं खोलती और इसे टैक्स से भी छूट प्राप्त है। अब बात करते हैं स्कीम को शुरू करने के पीछे तर्क क्या थे। केंद्र सरकार ने इस दावे के साथ इस बॉन्ड की शुरुआत की थी कि इससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी और साफ सुथरा घर आएगा। अरुण जेटली ने जनवरी 2018 में लिखा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना राजनीतिक फंडिंग की व्यवस्था में साफ सुथरा धन लाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लाई गई। सरकार ने जनवरी 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड की नोटिफिकेशन जारी करते वक्त ये भी साफ किया था कि इसे खरीदने वाले को पूरी तरह से नो योर कस्टमर्स यानी KYC नॉर्म को पूरा करना होगा और बैंक खाते के द्वारा ही भुगतान करना होगा। इस योजना के तहत चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में 10 दिनों की अवधि के लिए खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हालांकि इन्हें लोकसभा चुनाव के वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि के दौरान भी जारी किया जा सकता था। इस बॉन्ड को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई थी और इसको लेकर पिछले काफी वक्त से विवाद चल रहा था। आज सुप्रीम कोर्ट का इस इलेक्टोरल बॉन्ड यानी गुपचुप तरीके से चुनावी पार्टियों को दिए जाने वाले इस चंदे पर फैसला आ गया है। इस पर आपकी राय क्या है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।